हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांटिंग एंड डेकोरेशन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ थ्री टाइप्स ऑफ मिनिएचर प्लांटर पॉट फॉर डेकोरेशन। ये दोनों मेरा होममेड पॉट है जो मैंने खुद से बनाया है। इन दोनों के बारे में डिटेल्स में मैं बाद में बात करती हूँ। चलिए पहले इस पॉट के बारे में बात करते हैं। ये पॉट मुझे बहुत पसंद है। इसको मैं काफी दिनों से सोच रही थी परचेस करने के लिए और फाइनली मैंने इसको परचेस कर लिया अमेजोन से। इस पॉट को मैंने अमेजोन से ₹249 से परचेस किया है। इसका प्राइस अमेजोन में फ्लैक्चुएट करता रहता है। ये पॉट आपको 199 से 299 के बीच में मिल जाएगा। इसको देखने में सेरेमिक पॉट जैसा लगता है बिल्कुल, बट ये पॉलीरेजिन से बना हुआ है और इसका हाइट लगभग 4 इंच का है और इसके नीचे एक होल भी किया हुआ है वाटर ड्रेनेज के लिए। चलिए अभी इसमें स्पाइरल प्लांट का पॉटिंग करके देखते हैं कैसा लगता है। मैं इसमें मेरे पास कुछ कोकोपीट और मिट्टी का मिक्सचर है। मैं उसके पहले मेरे पास ऐसा जो कपड़ा का बैग आता है बाजार में मार्केट में, उसी को मैं कटिंग करके ली मैंने इसके नीचे होल के ऊपर डालने के लिए, ताकि पूरा मिट्टी बाहर ना निकल आए। अभी मैं इसमें मेरा जो मेरे पास मिट्टी और कोकोपीट दोनों का मिक्सचर किया हुआ है उसको मैं इसमें डालूंगी। चलिए स्पाइरल प्लांट का पॉटिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी देख पा रहे हो आप कितना सुंदर लग रहा है इसमें देखने में। देखो अगर आपको भी ये पॉट पसंद आया है और आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप उस लिंक को फॉलो करके अमेजोन से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। चलिए अभी इस पॉट के बारे में बात करते हैं। ये मैं अपने शैम्पू के कंटेनर को काट के बनाई हूं और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 3 वुडन लेग्स बनाया हुआ है। ये ड्रमस्टिक ट्री का ब्रांच है, इसी को काट के मैं ये 3 लेग्स बनाई हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर एक मिनिएचर प्लांटर पॉट बन चुका है। अभी मैं इसमें इस मनी प्लांट को पॉटिंग करूंगी और इस क्ले बॉल के साथ। इस पॉट को मैं कैसे बनाई हूँ उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं पोस्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये मेरे वीडियो का 3रा मिनिएचर पॉट है। ये भी मैं अपना शैम्पू का कंटेनर से बनाई हूँ। शैम्पू का कंटेनर को काट के एक पॉट बनाई हूँ, उसके चारों ओर में मैं ड्रमस्टिक ट्री का ब्रांचेस को मिडिल से काट के फिर चारों ओर में ग्लू गन से चिपका दी मैंने। अभी देखिए आप ये कितना सुंदर एक वुडन लुक वाला मिनिएचर पॉट बन चुका है। अभी मैं इसमें एक चाइनीज सिंगोनियम प्लांट को पॉटिंग करूंगी। मेरे पास एक चाइनीज सिंगोनियम प्लांट का पूरा बंचेस है। इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें काफी सारा बंचेस निकल आया, तो इसमें से मैं एक बंच को निकालूंगी और इसमें पॉटिंग करूंगी। Thank you.
देखिए पॉटिंग के बाद इस पॉट का कितना सुंदर लुक आ रहा है। इस पॉट को मैंने कैसे बनाई हूँ उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। देखो अभी मेरा ये तीनों मिनिएचर पॉट विथ प्लांट्स रेडी हो गया है और ये काफी सुंदर दिख रहा है। अभी इसको प्लेस करना है। अभी इसको प्लेस करने के लिए मैं इस मिनिएचर पॉट के साथ मैच करते हुए मैं एक मिनिएचर कॉर्नर टेबल परचेस किया मैंने अमेज़न से। आइए देखते हैं उस टेबल को। चलिए इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मेरे इस मिनिएचर कॉर्नर टेबल को। ये टेबल मेरे पास इसी कंडीशन में ही आया हुआ है जो मुझे अब असेंबल करना है। इसमें 3 wooden legs दिया हुआ है और यहाँ पर 3 holes है जिसमें थ्रेड्स बना हुआ है। अभी इन लेग्स को यहाँ पर मुझे अटैच करना है। चलिए अब टेबल टॉप को देखते हैं। ये इंजीनियर्ड वुड से बना हुआ है और इस पर व्हाइट कलर का लैमिनेट किया हुआ है और ये ऑक्टागन शेप में है। आइए अभी मैं इसमें लेग्स अटैच करती हूँ। चलिए अभी रेडी हो गया मेरा ये मिनिएचर टेबल। ये टेबल मुझे 481 rupees में अमेज़न से मिला है। ये टेबल मुझे काफी पसंद आया है। इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है। अगर आपको भी परचेस करना है तो इसका बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ। आप उस लिंक को फॉलो करके इससे परचेस कर सकते हो। आइए मैं इसका भी मेजरमेंट दिखाती हूँ। 12 inch है। इधर से भी 12 inch है। ये एक ऑक्टागन शेप है तो इसलिए इसका चारों ओर से इसका जो विथ है ये 12 inch ही है। अभी मैं इसका हाइट दिखाऊंगी। इसका हाइट 13 inch है। चलिए अभी इस टेबल को डेकोरेट करती हूँ मेरा मिनिएचर पॉट्स।